जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म की बातें पर। आज हम यह जानेंगे, हम सभी भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम को अपने मन में बसा कर रखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम को कैसे भक्त पसंद है, भगवान श्री राम के मन में कौन सा भक्त बसता है, कौन से ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिस गुणों को अपना कर हम भगवान श्री राम के प्रिय बन सकते हैं, भगवान श्री राम की नज़रों में आ सकते हैं। आज वह गुण हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से जानेंगे। एक भक्त के कुछ विशिष्ट ऐसे गुण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताए हैं, जिसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए और उन गुणों को अपनाकर हम भगवान श्री राम के प्रिय बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से वह गुण। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाएँ। श्री रामचरितमानस की वह चौपाइयाँ हैं जो कि आपको भगवान श्री राम के नज़दीक लाने का रास्ता बताएंगे, आपको भगवान श्री राम का प्रिय बनाएंगी। रामचरितमानस की वह चौपाइयाँ हैं, तुमहि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिस ते बिस भारी। जो आपको छोड़कर जिनके कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, ऐसे व्यक्तियों के मन में आप बसिए, ऐसे भक्तियों को अपना प्रिय बना लीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।